मध्य प्रदेश में किसान विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, ऐसे में किसान की मौत पर सियासत जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा कि किसानों की मौत पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, किसी की भी मौत दुखद होती है। कमलनाथ और राहुल गांधी ने किसानों से 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का झूठ बोला था, कर्ज तो माफ किया नहीं और बैंकों से किसान को लोन मिलना भी बंद हो गया। कमलनाथ ने किसानों से झूठ बोलकर पाप किया था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के नेता, नीति और नियत तीनों ही ठीक नहीं है। कांग्रेस अब एक डूबते हुए जहाज की तरह है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों की मृत्यु के मामले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। मृत्यु किसी की भी हुई हो दुखद है और उससे भी ज्यादा पीड़ादायक है उस पर ओछी राजनीति करना। पहले राहुल गांधी और कमलनाथ ने किसानों को 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का सपना दिखाया, किसानों को इन्होंने दुख दिया और फिर इस हाल में लेकर आए। कमलनाथ ने किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया और अब उस पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का सोचते रहे, उधर उनको बैंक से भी कर्ज मिलना बंद हो गया। कमलनाथ ने 2 से 4 हजार रुपए का कर्ज माफ कर खुद के सर पर सेहरा बांध लिया। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसे भी हो पीड़ादायक होती है और मौत के ऊपर राजनीति करना उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। वो लोग 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, एक देवास स्वप्न में इन्होंने विचरण कराया, ओवरड्यू हो गए, नया कर्जा मिला नहीं, उसके ऊपर ट्वीट नहीं करते कभी। कभी ये नहीं ट्वीट किया कि हमने और हमारे नेता राहुल गांधी ने झूठ बोला था 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का और हम नहीं कर पाए। किसान को धोखा देना, इस हाल में लाना और उसके ऊपर राजनीति करना, ये सच में बहुत दुखद है। बात हमेशा इस कर्जा माफी को लेके मैं उस घोषणा पत्र की करता हूँ जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूँ जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है, जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्हें कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50 हजार बता दें, 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पर सेहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कभी ट्वीट करके ये नहीं बताती कि उन्होंने कर्ज माफी का झूठा वादा क्यों किया। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह पदयात्रा निकाले जाने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब वे मंत्री थे तब अगर पदयात्रा निकाल लेते तो ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार में माफी मांगते हुए कहा था कि वे अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए हैं। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। कांग्रेस से और विधायकों के इस्तीफे को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसके ना तो नेता सही है और ना ही उनकी नीति। कहा बरसा जब कृषि सुखानी, आप अगर थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाएंगे तो ध्यान होगा, जब ये मंत्री थे तब इन्होंने जनता से माफी मांगी थी कि हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए, हम जनता से माफी मांगते। शायद वो यही गोविंद सिंह थे, पर उस समय मंत्री थे और उस समय अगर पदयात्रा निकाली होती तो परिणामदायी होती। आज पूरा प्रदेश जानता है कि वो क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए काय को गहराई में जाती हो मित्र है मेरे, हम कोरोना को पूरे परिदृश्य में देखें, देश के देशव्यापी रूप में देखें, वैश्विक महामारी के रूप में देखें। ये सच है कि जब से सावधानी हटी है तब से इसमें व्यापकता आई है। अब सावधानी तो मुझे और आपको ही रखना होगी, परहेज तो मुझे और आपको ही करना होंगे, सरकार को जो करना है उसमें कोताही नहीं रख रहे हम। निशुल्क इलाज की व्यवस्था, निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निशुल्क दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है।
अब व्यक्तिशः सावधानी तो व्यक्ति के हाथ में ही है। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी, और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे, जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है, स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। हमारे लाने की अलग बात है भाई, वो वहां से आने वाले हैं ये बात अलग है। देखिए कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है, और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है, तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।